मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे साथियों, एक लड़का था जिसका नाम था लावण्य। तो लावण्य को बहुत गुस्सा आता, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता। उसके पापा सौम्य श्रीवास्तव लावण्य के गुस्से से बहुत परेशान रहते। कहते, मेरा लड़का तो न जाने कितना क्रोधी है, न जाने इसको कितना गुस्सा आता है, इसकी तो 24 घंटे नाक पे गुस्सा सवार रहता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे कैसे ठीक करूं, क्योंकि जो सौम्य श्रीवास्तव जी थे बहुत शांत नेचर के, बहुत शांत स्वभाव, और लावण्य को बात बात पे गुस्सा आए। तो सोम जी ने क्या किया, एक थैला लेकर आए, उसमें खूब सारी केले भरी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा लावण्य इधर आओ। बोले, हाँ पापा। बोले, जब तुम्हें गुस्सा आए ना, इस थैले से कील निकालना और जो सामने सहजन का पेड़ खड़ा है, उनके घर के आगे सहजन का पेड़ था बड़ा सा, कहा उस पर जाके तुम एक कील ठोंक देना। बोला, ठीक। अब लावण्य को जैसे गुस्सा आता, वो एक कील लेता और जाके सहजन के पेड़ में खट 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 ठोंक देता। उसे बड़ा मज़ा आने लगा। एक ठोका, दो ठोका, तीन ठोका। एक दिन उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं, मुझे गुस्सा आए ही ना तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब जहाँ वो दिन में 10-10 कीले ठोकता था, मुश्किल से एक या दो ठोकने लगा। और उसने अपने पापा से बताया, पापा आज मैंने सिर्फ 2 कील ठोंकी। अरे, पापा ने कहा, चलो अच्छी बात है, कुछ तो तुम्हारे अंदर सुधार आ रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका कीलों का थैला पूरा खाली हो गया। अब लेकिन बच्चे का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होने लगा। तो उन्होंने कहा, पापा जानते हो, आज मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया और कील ठोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके पिताजी जो थे श्रीवास्तव जी, वो लावण्य को लेकर सहजन के पेड़ के पास आए और बोले कि बेटा, क्या तुम इसमें से कीले निकाल सकते हो? अब जब तुम्हें कभी गुस्सा आए, तुम एक कील निकालने की कोशिश करना पेड़ से। उसको प्लास दे दिया, अभी तक उसको हथौड़ी और कील दी थी। अब लावण्य ने प्लास ले लिया, एक खींच के निकाला। जैसे गुस्सा आए, प्लास लेकर दौड़ा जाए और सहजन पेड़ से एक कील निकाल दे। धीरे धीरे करके उसने सारी कीले निकाल दी और फिर कहा, पापा पता, मैंने पेड़ की सारी कील निकाल दी और मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आए, पहले मेहनत करो, उसमें ठोको, फिर गुस्सा आए, उसमें से कील निकालो। उसके पापा ने, अरे वाह, मेरा बच्चा कितना समझदार होगा, क्या बात है। फिर उसके पापा उसको लेकर के उसके पास गए, पेड़ के पास। लावण्य का हाथ पकड़ के बोले, देखो इस पेड़ में कितने छेद ही छेद हो गए हैं, क्या आप इन छेदों को भर सकते हैं? अब तो लावण्य के पसीने छूटने लगे। बोला, नहीं पापा, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इस छेद को नहीं भर सकता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, जिस तरह तुम इन पेड़ के छेदों को नहीं भर सकते हो, उसी तरह जब गुस्से में तुम किसी को कटु वचन कहते हो तो उसके दिल पर क्या बीतती है, कभी सोचा है? तुम नहीं सोच सकते। तो क्रोध में तुम्हारे द्वारा कहे गए गलत शब्द दूसरे के दिल पर ऐसे ही छेद करते हैं जिसकी भरपाई भविष्य में तुम नहीं कर सकते हो।
अब लावण्य को बात समझ में आ गई। हाँ पापा सही बात कह रहे हैं, अगर हम किसी को कटु वचन कहते हैं तो उसको दुख होता है और हम उसके दुख को मिटा नहीं सकते। उसने सोच लिया, अब मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ, सोच समझ कर उत्तर देना। कहीं आप भी तो अपने घर के सामने किसी पेड़ में कील ठोकने नहीं आ रहे हो? नहीं ना। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मेरे लाडलो, अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना और यही कोशिश करना कि हमारे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे। अच्छा मेरे लाडलो, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको भाई टाटा, बाय बाय।